असल स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन इन फ्रंट एंड बिफोर इन फ्रंट और बिफोर का बेसिकली डिफरेंस ये है इन फ्रंट हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई आपके सामने मौजूद हो ठीक है इवन सम वन इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू वी यूज इन फ्रंट फॉर दैट परपज एंड वी यूज बिफोर वन समन इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू बस बट प्रेजेंट अराउंड डिफरेंस बिटवीन इन फ्रंट एंड बिफोर नोट वी यूज इन फ्रंट वन समन इज फिजिकली प्रजेंट ऑफ सम वन ठीक है इन फ्रंट आप वह पर इस्तेमाल करते हैं जब कोई फिजिकली आपके सामने मौजूद हो उसके साथ हम प्रंट इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो मिरर के सामने खड़ी है ठीक है यानी मिरर जो है वो इसके सामने है लिहाजा उसके सामने खड़ी है फिजिकली मौजूद है इसको हम इन फ्रंट इस्तेमाल करते हैं लुक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कैमरे के सामने देखो यानी फिजिकली कोई कैमरे के सामने मौजूद है तो इसके साथ हम फ्रंट इस्तेमाल करते हैं लाइक तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड यानी बोर्ड उसके सामने है इनफ्रंट उसके सामने फिजिकली मौजूद है स्टूडेंट तो इसके साथ हम फ्रंट का यूज़ करते हैं बिफोर क्या है? वी यूज़ बिफोर वन समन इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सम वन आर प्रेजेंट बट अर सम वन ठीक है यानी बिफोर हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि कोई आपके सामने फिजिकली मौजूद नहीं है या मौजूद है लेकिन वो बिल्कुल सामने मौजूद नहीं है इर्द गिर्द मौजूद है हरउंड मौजूद है इसके साथ हम बिफोर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द थीप was present बिफोर द कोर्ट ठीक है यानी थीप जो था वो कोर्ट के सामने मौजूद है सामने का मतलब यह है कि वो इर्द गिर्द मौजूद है बिल्कुल सामने नहीं।, ये इंफ्रेंट नहीं है ठीक है वी विल हैव टू बी इंडिपेंडेंट बिफोर द वर्ल्ड अमीर दुनिया के सामने आज़ाद होना चाहिए आज़ाद होना पड़ेगा तो इसके लिए आपको ये लेक्चर समझ आया होगा मजीदी लेक्चर के अलावा हमारे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर विजिट के सब्सक्राइब करें आपको मज़ीद लेक्चर मिलते रहें